नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स यूनिवर्स में। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिलेटिव एरर दिया है दोस्तों मास एंड लेंथ में, जो कि दिया है डेल्टा एम अपॉन एम इज इक्वल टू 1.5%, और रिलेटिव एरर इन लेंथ दिया है डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 1%। ओके, द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है दोस्तों मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ क्यूब विच इज इक्वल टू एम वन एल माइनस थ्री। तो इसमें एरर अगर फाइंड करना है तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 1 into डेल्टा एम अपॉन एम, ओके, प्लस मॉडुलस में लेंगे -3 into डेल्टा एल अपॉन एल। तो दोस्तों डेल्टा एम अपॉन एम बनता है हमारा 1.5% प्लस 3 into डेल्टा एल अपॉन एल बनता है 1%। चलिए एडिशन करते हैं, 1.5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4.5%। ओके, सो योर आंसर इज सी। सिंपली, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द सर्फेस टेंशन टी ऑफ द वाटर बाय कैपिलरी मेथड। डायमीटर ऑफ द कैपिलरी यानी कि डी दिया है हमें दोस्तों इन मीटर, राइज ऑफ द वाटर दिया है यानी हाइट दी है जी 9.8 विच इज कॉन्स्टेंट, एंड सिंप्लीफाइड रिलेशन टी इज इक्वल टू आर एच जी अपॉन 2 into 10^3 दिया है। तो पॉसिबल एरर इन सर्फेस टेंशन पूछा गया है दोस्तों, यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी कितना आएगा ये हमें पूछा गया है। ओके, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें से अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, तो आपका 2 कांस्टेंट नंबर है, जी 9.8 कांस्टेंट है, 10^3 कांस्टेंट है। अब दोस्तों जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके हम लोग डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, ओके, विच इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि हमें रेडियस, ओके, डायमीटर दिया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सो डायमीटर के लिए एरर जो भी लेंथ होती है उसका एरर होता है जनरली 0.01, ओके, डिवाइडेड बाय आर की जगह हम लोग 2 लेंगे, यानी 2 2 2 2 कैंसिल भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, फिर भी हम लोग 2 को रखेंगे, ओके, यानी कि वो जाता है डायमीटर, और 2R यानी कि डायमीटर 1.25, राइट। उसके बाद प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, हाइट में कितना होगा दोस्तों, वो भी डिस्टेंस है तो 0.01 विच इज कॉन्स्टेंट एरर डिवाइडेड बाय 1.45 लेंगे। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1/125 प्लस 1/145। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं या फिर एलसीएम एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ऑलमोस्ट 0.015, ओके। लेकिन हमें चाहिए डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 100, तो आएगा 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1.5 एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंट। तो आपका आंसर आता है ए। ओके, थैंक यू।